गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ न्यू चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास नाइन्थ साइंस में स्पेशली मैं बायोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहा हूँ बेटा। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अच्छा चैप्टर है। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से आगे क्लास इलेवंथ में आप बायोलॉजी स्ट्रीम से होते हो तो ये चैप्टर आपको फिर से वहाँ मिलेगा। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में मिलेंगी, ठीक। बट क्लास नाइन्थ में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो बेसिक है, वो आपका बेसिक क्लियर होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक। तो ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास अलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका एम फोकस नीट पे है तो बेटा ये चैप्टर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ साइंस बायोलॉजी पोर्शन, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक ना बेटा। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक ना बेटा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस चैप्टर में क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है वो हमें देखना है। डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे एरिया यानी क्षेत्रफल है लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पे लिविंग बैक्टीरिया तो सर्वाइव करता ही है, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह व्याप्त है, ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक। आप किसी भी प्लेस पे जाओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिलेंगे, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, ठीक, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको जरूर मिलेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले इस चैप्टर में ये जानना है बेटा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि इसका स्टार्टिंग कैसे, इसको स्टार्ट किया गया था, क्या चीज़ इसमें हमें जानना है, क्या समझना है, ये सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था बेटा? कैरोलस लीनियस, ठीक ना बेटा, कैरोलस लीनियस। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक वर्ड दिया था बेटा जिसका नाम था टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक। टैक्सोनॉमी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अभी देख लेंगे, पहले इसको समझते हैं टैक्सोनॉमी कहते किसे हैं। तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टैक्सोनॉमी में तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पहली होती है बेटा आइडेंटिफिकेशन, ठीक। सेकेंड वन होती है नोमेनक्लेचर। थर्ड आपकी होती है बेटा क्लासिफिकेशन। ये तीन स्टेप इन्वॉल्व होती है इसमें, किसमें? टैक्सोनॉमी, ठीक। तो आपको ये हेडिंग आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही मिलेगी, ठीक। टैक्सोनॉमी कोई भी हेडिंग आपसे, सारी हेडिंग कवर करेंगे बेटा वन बाई वन, बट स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ, ठीक। आपकी कोई भी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी लाइन कहीं से छूटेगी नहीं, ठीक। टैक्सोनॉमी में तीन स्टेप इन्वॉल्व होती है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस क्या कहना चाहते थे पहले वो समझिए। अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देखते हो, तो आप सबसे पहले इन्हीं तीन स्टेप को फॉलो करते हो, ठीक। तो इन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी पर्सन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखता है तो इन तीन स्टेप को फॉलो करेगा, जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या है ज़रा वो समझिए। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे कहीं जा रहे थे, घूमने टहलने निकले थे आप, रास्ते में आपको एक डॉगी का बच्चा दिख गया, पपी, ठीक, छोटा सा बच्चा दिखा, कोई पर्टिकुलर एक ब्रीड का बच्चा दिखा, और आप रुके वहाँ पे, आप स्टॉप कर गए। स्टॉप करने के बाद आप खड़े हुए तो आपने आसपास देखा, आपको कोई नज़र नहीं आया, तो आपके मन में डाउट आया ये डॉगी का बच्चा है किसका। तो आपने थोड़ी देर और वेट किया, वेट करने के बाद फाइनली क्या हुआ, आप उसके पास गए, उसको उठाया और उसको घर लेके चले आए। अब बताइए पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया या नहीं, आपने उसे देखा, आप पहचान गए कि हाँ वो डॉगी का बच्चा है। अगर वो शेर का बच्चा होता तो आप जाते? कभी नहीं जाते। मतलब आप ये पहचान गए कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे ना तो काटेगा ना मेरे साथ ऐसा कोई बिहेव करेगा, ठीक। आप उसके पास आसानी से चले गए, इवन उसके पेरेंट होते ना तो शायद एक बार आप सोचते जाने से पहले,
लेकिन वो एक पपी था तो आप आसानी से उसे चले गए, आपने उसे कैरी किया और सीधा घर लेके चले। तो पहले स्टेप तो आपने तुरंत कंप्लीट कर लिया, आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं पहचानना, ठीक ना बेटा। सेकंड स्टेप क्या है, नोमेनक्लेचर। जब आप उसको घर लेके आए तो घर लाने के बाद उससे इंट्रैक्शन हुआ आपका, आपने उसको मतलब खिलाया पिलाया सब कुछ किया, एक दो दिन उसके साथ इन्वॉल्व हुए, फिर इंटरटेनमेंट हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, फाइनली आपने क्या किया कि उसे बुलाने के लिए अपने पास उसका नाम रख दिया, नामकरण। नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है बेटा, नामकरण। क्या होता है, नामकरण। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसे क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई इन द सेंस, आप जिस रूम में जिस बेड पे सोते हैं वो आपके साथ नहीं रह सकता, उसका बिहेवियर कुछ और है। आपने क्या किया, एक अलग सा रूम उसके लिए बनाया, छोटा सा, घर में कहीं भी एडजस्ट किया आपने ताकि वो वहाँ पे रहे। इसका मतलब आपने उसे अपने से क्लासीफाई कर दिया कि वो हमारी वैरायटी का नहीं है, हमारी जैसी थिंकिंग नहीं है, हमारा जैसा बिहेवियर नहीं है, इसलिए उसको अपने अकॉर्डिंग रहना होगा जैसा उसका बिहेवियर है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, टैक्सोनॉमी में लीनियस ने ये बता दिया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसे पहचानते हैं, वो क्या है, प्लांट है या एनिमल है, प्लांट से तो कौन सा प्लांट से, एनिमल है तो कौन सा एनिमल है, फिर उसका नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है, देन उसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब उसको उसके बिहेवियर, उसके नेचर, फीडिंग नेचर, उसका कहाँ पे रहता है वो, कैसा रहन सहन है, इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर है सबको? अब जरा एक एग्जांपल ऐसे देख समझ के देखो, मान लो ह्यूमन बीइंग्स के ही कंपेयर करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स से एग्जांपल लेते हैं। जब कोई मदर डिलीवरी के दौरान जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये पहचाना जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, मतलब आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के जस्ट बाद, कुछ दिनों के बाद या उसी टाइम पे, हो सकता है किसी ओकेजन पे उसके बर्थ हुई हो, तो उसका नाम रख दिया जाता है। और क्लासिफिकेशन तो हमने तुरंत ही कर दिया था, वो अपनी मदर बॉडी, मदर के पास ही रहता है, इवन अपने घर में मदर फादर के पास बैठता है, सोता है, मतलब आपने उसे अपने पास रखा, मतलब उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी फीडिंग नेचर, फीडिंग हैबिट, ये सारी चीज़ें आपसे सिमिलर हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन में आपने उसे अपने साथ सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो ह्यूमन का ही बेबी है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बेटा लीनियस ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर देखते हैं, ठीक, किसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते हैं, लिविंग बॉडी को, तो हम ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी। यहाँ तक क्लियर है सबको? आ गया समझे बेटा, क्लास नाइन्थ क्लियर है? चलिए अब जरा बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ठीक। टैक्सोनॉमी कहते किसे हैं वो बात करते हैं, ठीक। आपको प्रॉपर नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा बेटा, आपको नोट्स भी लिखवाता चल रहा हूँ, और आप इस वीडियो लेक्चर को अगर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट्स भी वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, गूगल ड्राइव में जैसे भी आप कर सकते हो, ठीक, पीडीएफ फॉर्म में है। प्लस इससे रिलेटेड जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करिए, उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए बेटा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, वो हमेशा के लिए याद भी रहेगा, ठीक ना बेटा। तो चलिए देखते हैं टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर ना बेटा? एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? आई होप आपको प्रॉपर क्लियर दिख रहा होगा और आपको आवाज़ भी क्लियर हो रही होगी, ठीक ना बेटा। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानना,
नॉमेनक्लेचर नामकरण, क्लासिफिकेशन मतलब उसको क्लासिफाई करना, उसके फीडिंग नेचर, उसके बिहेवियर, ठीक, इन सभी की बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर देना। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, चलिए इसको नोट डाउन करिएगा पहले, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड दिया वो लीनियस ने दिया, इसलिए लीनियस को एक नाम दिया गया बेटा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसको अलग से बॉक्स में लिखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। किसको कहा जाता है बेटा? कैरोलस लीनियस को, ठीक ना बेटा, कैरोलस लीनियस। स्पेलिंग में अगर कहीं फॉल्ट होता है भैया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है मे भी कहीं फॉल्ट हो जाए, ठीक। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, इंडिया में इस चीज़ को किसने बताया था? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी दैट इज, साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? शंता पाऊ, शंता पाऊ। क्लियर है सबको? तो ये चीज़ नोट डाउन करिएगा एक बॉक्स में प्रॉपर अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है एंड फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? क्लियर है बेटा? आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नेक्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। अब लीनियस ने ये चीज़ तो बता दिया कि टैक्सोनॉमी कहते किसे हैं, अब लीनियस ने ये भी दिख कर दिखाया कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वर्ल्ड में केवल दो ही ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग में केवल दो ऑर्गेनिज्म हैं। ये जो स्टेटमेंट था कहीं ना कहीं लीनियस को गलत साबित कर रहा था, क्योंकि इस चीज़ का कहीं ना कहीं उनके पास जितने ऑब्जेक्शंस हुए, हर एक ऑब्जेक्शन का आंसर लीनियस के पास नहीं था। अच्छा, इन्होंने कहा क्या कि वर्ल्ड में केवल दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक प्लांट है और दूसरा एनिमल है। अब ऑब्जेक्शन क्या हुआ कि अगर प्लांट केवल है तो प्लांट्स में जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन होगी, जब वो हमसे पूछेगी कि एक ग्रास में और एक बनियान ट्री में दोनों में फ़र्क है लेकिन दोनों प्लांट में है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस बिहाव पर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भैया वो ग्रास है और वो बनियान ट्री, उसका नेचर कुछ और है, इसका नेचर कुछ और है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इस चीज़ को लीनियस कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक। तो लीनियस एनिमल्स में भी ऑब्जेक्शन हुआ कि एक एंट, चीटी एंट, एक एलिफेंट, दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है, हाउ कैन डिफ्रेंशिएट, हम कैसे समझाएंगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को? जिससे लीनियस पे ऑब्जेक्शन हुआ, तो लीनियस का इस चीज़ का कोई प्रमाण उनके पास नहीं था, जिस वजह से ये जो स्टेटमेंट था कि वर्ल्ड में केवल दो ही किंगडम बनेंगे, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, ये गलत हो गया बेटा, ठीक। तो फिर आगे साइंटिस्टों ने ये कहा कि कैसे क्लेरिफिकेशन किया जाए कि इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जाए, ठीक ना बेटा, तो उनको कैसे क्लासीफाई किया जाए, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी। तो टू किंगडम सिस्टम जो अगर आपसे पूछा जाए कि टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था और उसमें कहा था कि दो किंगडम सिस्टम होंगे, दैट इज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसके बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम, देन फोर किंगडम सिस्टम, एंड फाइनली आया फाइव किंगडम सिस्टम। और फाइव किंगडम सिस्टम जब आया तो इसी चीज़ को आज तक फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, आने वाली जनरेशंस को भी इजीली समझ में आएगा, और इवन हमारे से पहले जो है, हमसे पहले थे, और इवन हम लोग अपनी जनरेशन देखें मॉडर्न मैन, तो हमको भी ये प्रॉपर अंडरस्टैंड है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इतना ईजिली हम समझ लेते हैं, ठीक ना बेटा। तो टैक्सोनॉमी लीनियस ने बताया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, उससे पहले कुछ और भी टर्म जान लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, एक हेडिंग मिलेगी आपको बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और एक मिलेगा बेटा टैक्सोनॉमी हियरची, टैक्सोनॉमी हियरची। ठीक ना बेटा, टैक्सोनॉमी हियरची ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सोनॉमी हियरची में क्या है, जैसे मान लो अगर आपसे कोई कहता है कि आप, मैं मान लो ऐसे ही पूछा जाए आपसे
सबसे पहला कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आप कहोगे इंडिया। आपसे पूछा जाए कौन से स्टेट से, आप कहोगे यूपी, 2 पॉइंट। आपसे पूछा गया यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट से, आपने कहा कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, मान लो लखनऊ बता दिया, ठीक। अब आपसे पूछा गया लखनऊ में पर्टिकुलर एरिया होगा, तो आपने एरिया बता दिया, गोमती नगर, ठीक। अब गोमती नगर में कोई प्रॉपर कॉलोनी होगी, ठीक। अब आप वो बताओगे, फिर वो बताने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, किस नाम से हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक ना बेटा। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करते हैं ना, तो कितने स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, वो चीज़ समझिएगा, ठीक। उस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, अभी मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें वन बाई वन। तो देखो, एक लिखना होता है बेटा स्पीसीज, मैं ऊपर से लिख दे रहा हूँ, लेकिन रूल्स है कि नीचे से ही लिखा जाता है प्रॉपरली। किंगडम, सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन से किंगडम से है, फिर आपको बताना है फाइलम कौन सा है, ठीक। फाइलम एनिमल्स के लिए, अगर आप प्लांट्स के केस में कर रहे हैं तो डिवीज़न आपको बताना होगा, क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सी है और जीनस कौन सा है, ठीक ना बेटा। स्पीसीज को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा हो गया था, ठीक। ये 7 आपको मिलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नंबर 1 पे कौन होगा, स्पीसीज। सेकेंड नंबर कौन होगा, जीनस। थर्ड नंबर कौन होगा, फैमिली। फोर्थ नंबर ऑर्डर। फाइव नंबर क्लास। सिक्स नंबर फाइलम। सेवन नंबर किंगडम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या हायरार्की कितनी है, तो 7 है। इस चीज़ को याद कर लो, अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। ये इनका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर है सबको। अभी हम लोग किंगडम देखेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा हमको, और आगे चल के हमें फाइलम पढ़ना है 1 बाई 1। क्लास हम अलग से देखेंगे, हमें जो अभी समझ में आएगा वो जीनस और स्पीसीज समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, जीनस और स्पीसीज समझ में आएगा। जीनस मीन्स होता है बेटा वंश, क्या होता है, वंश। और स्पीसीज मीन्स होता है जाति, क्या होता है बेटा, जाति, ठीक ना बेटा। स्पीसीज मीन्स होता है जाति, आई बात समझ में। तो जाति और वंश, जीनस और स्पीसीज, इस चीज़ को पहले समझते हैं, फिर आगे देखते हैं 1 बाई 1 सारी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है सबको, चलिए। अच्छा, टैक्सोनॉमी में उन्होंने पहला जो स्टेप बताया था वो था आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके आइडेंटिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने उस चीज़ को पहले देखा है, आपको उसकी नॉलेज है, तो आप पहचान जाओगे वो चीज़ क्या है। जैसे नर्सरी क्लास में जब आपकी स्टार्टिंग क्लास होती है, तो देखा होगा नर्सरी की क्लास काफ़ी डेकोरेटिव होती है। वहाँ पे अगर ए फॉर एप्पल बताया जाता है, तो एप्पल की इमेज दिखाई जाती है, सॉरी, ठीक, एप्पल की इमेज दिखाई जाती है बेटा। तो एप्पल की इमेज दिखाने से क्या होता है, बच्चा ये जान जाएगा कि हाँ ये एप्पल है। अगर उसको बनाना दिखाओगे तो वो कहेगा नहीं, एप्पल नहीं है। तो मतलब नर्सरी क्लास में आपको इमेज दिखाकर पहचानवाया जाता है कि देखो ये कैसा दिखेगा, ठीक। जब वो बच्चा घर जाता है, तो अगर जैसे सी फॉर कैट, तो कैट की इमेज दिखाई जाती है। अब उसके घर के आसपास उसको अगर कैट दिख गई, तो वो तुरंत चिल्लाता है कैट है ये। तो ये चीज़ चाइल्ड स्टेज में ही आपको सिखा दी जाती है। कहीं ना कहीं इमेज आप देखते हो, उसका नाम सुनते हो, तो आपके माइंड में वो सेव हो जाता है, ठीक। इसी कंडीशन पे हम किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, आई बात समझ में। अगर उसकी उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो बेटा हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, है समझ में। चलिए, आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकंड स्टेप था नॉमेनक्लेचर। अच्छा, नॉमेनक्लेचर में क्या हुआ, नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, ठीक ना बेटा। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इवन मैं आपको एक हाई लेवल पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर। अगर आप एनटीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सफिशियंट है ये, ठीक। नॉमेनक्लेचर में आपको 2 मिलेगा बेटा, ठीक। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICBN बोलते हैं। बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब यहाँ पे प्लांट्स के नाम रखे जाएंगे,
ठीक, दूसरा आपका है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICZN, जूलॉजिकल, जू मीन्स चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में किसको देखते हो, एनिमल्स को, तो जब एनिमल्स का नाम रखा जाएगा तो वो ICZN के अंतर्गत होता है और प्लांट्स का नाम ICBN के अंतर्गत रखा जाता है बेटा। क्लियर है सबको? यहाँ पे प्लांट्स का नाम और यहाँ पे एनिमल्स का, ठीक। और ये दोनों जो कैटेगरी है वो नोमेनक्लेचर की है, नोमेनक्लेचर में किसकी है, ICBN, ICBN। अब आप कहोगे सर ये भी है और ये भी है कैसे, तो भैया यहाँ पे बॉटेनिकल है और यहाँ पे बी फॉर होता है, बी फॉर होता है बाइनोमियल। बी फॉर क्या होता है बेटा, बाइनोमियल। बाकी सेम रहेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब इसका फुल फॉर्म लिखोगे तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों मिलेंगे। क्लियर है सबको? अब बाइनोमियल क्या है वो समझते हैं। पहले क्या होता था बेटा, जब किसी का नाम रखा जाता था ना, तो नॉमन क्लेचर करते समय लोग क्या करते थे, नाम बहुत बड़ा रखते थे। तो पहले जो नाम आया था वो आया था, लिखने का तरीका जो था, पॉलीनोमियल नॉमन क्लेचर, पॉलीनोमियल नॉमन क्लेचर, पॉलीनोमियल नॉमन क्लेचर, इस बिहा पे नाम रखते थे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल आपने नाम सुना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर मैं नाम लिखूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड हो गए, ठीक। पंडित मदन मोहन मालवीय, ऐसे नाम रखे जाते थे, काफ़ी बड़े बड़े नाम रखे जाते थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो साइंटिस्टों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि जो आने वाली जनरेशन्स होगी, फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए काफ़ी टफ होगा इस चीज़ को याद कर पाना, ठीक। तो इसको और सिंपल वे में बनाया जाए, तो इसको सिंपल वे में करने के लिए तब आया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि नाम में भैया 3 वर्ड होंगे, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब नाम में ट्राई मीन्स होता है 3, नाम में 3 वर्ड होंगे, 3 वर्ड कैसे, एग्जाम्पल क्या दिया गया, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, 1 वर्ड, 2 वर्ड और कितने, 3 वर्ड। ये किसका साइंटिफिक नेम है बेटा, ये गुड़हल का साइंटिफिक नेम है, चाइना रोज का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक ना बेटा। तो गुड़हल का साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, नाम में 3 वर्ड मिलेंगे। तो साइंटिस्टों ने फिर ऑब्जेक्शन किया, ये भी टफ है, इसको और इजी बनाइए, ठीक। तो इसको और इजी बनाने के लिए क्या किया गया, नाम में केवल 2 वर्ड होंगे, ठीक, 2 वर्ड होंगे। अगर मैं ट्राइनोमियल का और एग्जांपल आपको दूं, तो आपके अभी डेली लाइफ में आप देखोगे, डेली लाइफ में आपको एग्जांपल मिलेंगे, जैसे एग्जांपल मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, 3 वर्ड, आई बात समझ में, 3 वर्ड। राजवर्धन सिंह राठौर, महेंद्र सिंह धोनी, 3 3 वर्ड के नाम मिलते हैं, ठीक। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो रूल्स बनाए गए कि भैया अब जो आएगा वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नाम में कितने वर्ड होंगे बेटा, 2 वर्ड होंगे, बाई मीन्स होता है 2, ठीक। तो बाई मीन्स 2 होता है, इसको भी गलत साबित किया गया। आज के समय में यही फॉलो किया जाता है, जैसे विराट कोहली 2 वर्ड, राहुल वर्मा, अंकित वर्मा 2 वर्ड, आई बात समझ में, एक नाम है और एक टाइटल उनका सरनेम है, क्लियर बेटा। तो नाम में 2 वर्ड होंगे, बाइनोमियल किसी का भी नाम रखा जाएगा तो 2 वर्ड में रखा जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऐसे ही अपनी कॉपी में इसको बनाइएगा। इसके नीचे कंटिन्यू करते हैं फिर आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए बाइनोमियल में देखते हैं, ठीक। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखो, बाइनोमियल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लेचर
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बेटा नाम में दो वर्ड होंगे, जो फर्स्ट वर्ड होगा, मैं जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ, एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लॉयन, साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, लॉयन। तो जो पहला वर्ड है ना बेटा इसको बोलते हैं जीनस, और जो लास्ट वाला वर्ड है इसको बोलते हैं स्पीसीज, ठीक ना बेटा, इसको बोलते हैं स्पीसीज। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन सा जीनस है और कौन सा स्पीसीज है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे, इन जो साइंटिफिक नेम लिखेंगे, लिखे जाएंगे यहाँ पे, उसमें जीनस कौन सा है और स्पीसीज कौन सी है, क्लियर ना। चलिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, रोजा इंडिका, साइंटिफिक नेम ऑफ रोजा इंडिका, साइंटिफिक नेम ऑफ रोज, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर का साइंटिफिक नेम है बेटा ये, ठीक। दूसरा एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ पे, नीलम्बो, नीलम्बो न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा दैट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस, कमल, ठीक। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक ना बेटा। इन चार के जीनस और स्पीसीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मुझे भी तो पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे बेटा, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में जीनस कौन सा है, स्पीसीज ये लिख के जरूर बताइएगा। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई कि बाइनोमियल को ही फॉलो करना है, नाम में दो वर्ड होंगे, जीनस पहला होगा, स्पीसीज बाद का, तो आप अपने नाम का भी निकाल सकते हो जीनस कौन सा है और स्पीसीज कौन सा है, ठीक। जैसे राहुल वर्मा, राहुल क्या हो जाएगा जीनस, वर्मा क्या हो जाएगी स्पीसीज, क्लियर है सबको बेटा, समझ में आया यहाँ तक। अब बात आती है कि लीनियस ने ये चीज़ तो बता दिया कि नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे, ठीक। अब यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए, रूल्स क्या थे कि जब इसको लिखोगे ना तो इसको लिखने का तरीका होगा इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक फॉर्म मतलब तिरछा करके आप लिखोगे, इटैलिक आपने देखा होगा कंप्यूटर में, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, कुछ लोग कर्सिव राइटिंग में इटैलिक ही लिखते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप स्पीसीज लिखोगे ना, स्पीसीज में सारे लेटर स्मॉल लेटर से होंगे, ये भी रूल्स था, और जीनस और स्पीसीज लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना है, ये भी रूल्स था, ठीक। तो उसमें कुछ रूल्स थे, लेकिन ये रूल्स प्रॉपरली क्लास 11th में है, तो अभी इतना जो है ये सफिशियंट है आपके 9th क्लास लेवल पे बेटा। इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा ज़रूर, ठीक। और मेरे व्हाट्सएप पे या फिर जो शो करिएगा, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, वो ज़रूर शो करिएगा। और रही बात, जो भी आप लोग देख रहे हो, मोस्ट वेलकम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF फाइल भी है, ठीक, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस वहाँ से क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड करके अपना इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस चैप्टर पर अच्छा कमांड हो जाएगा आपका, ठीक ना बेटा। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, बात करते हैं क्लासिफिकेशन, फिर हमको सारी चीज़ें वन बाय वन समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक पहले नोट डाउन करो बेटा, इसको नोट डाउन करिए आप, ओके बेटा। चलिए, ये तो बात थी नोमेनक्लेचर की, कि नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, जीनस और स्पीसीज को कैसे क्लियरिफाई करेंगे, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक आइडेंटिफिकेशन था, नोमेनक्लेचर था, लास्ट है क्लासिफिकेशन, ठीक। क्लासिफिकेशन उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को वन बाय वन, ठीक। क्लासिफिकेशन में कौन सा किंगडम आया था बेटा, टू किंगडम सिस्टम दिया था लीनियस ने, फिर आया थ्री, फिर आया फोर, फाइनली आया फाइव किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था बेटा आर.एच. विटेकर ने, ध्यान रखिएगा आर.एच. विटेकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था किसी भी पर्सन को ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी अगर उसे कुछ चीज़ों की नॉलेज होती है, जैसे
इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड नेचर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल और नंबर ऑफ सेल। नेचर ऑफ नंबर ऑफ सेल क्या बेटा, आप जानते हो दो चीज़, या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है या तो फिर वो मल्टी सेलुलर होता है, दो ही क्राइटेरिया है ठीक। एक यूज ए सेलुलर की भी क्राइटेरिया है, बट यहाँ पे हम दो लेके चलेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आपको पता है एक सेल से बना होगा तो यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा होगा तो मल्टी सेलुलर। नेचर ऑफ सेल, या तो सेल कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक, और या फिर कैसी होगी बेटा, यूकैरियोटिक। अगर उस ऑर्गेनिज्म को ये फीचर पता है, मतलब उस पर्सन को ऑर्गेनिज्म का ये फीचर पता है, तो आसानी से उसको क्लासिफाई कर सकता है कि वो कौन से किंगडम का है। आई बात समझ में? ठीक, चलिए देखते हैं। तो ध्यान रखना, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन बाई आर एच वेटिकर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल। क्लियर है बेटा? सबसे पहला जो किंगडम मिला था वो था बेटा मोनेरा, दूसरा जो मिला था वो था बेटा प्रोटिस्टा, थर्ड वन जो मिला था वो था आपका फंजाई। क्या था बेटा? फंजाई। कहीं कहीं आपको माइकोटा भी मिलेगा, डोंट वरी, वो भी सही है, ये भी सही है, प्लांटी। एंड लास्ट वन जो मिला था एनिमेलिया। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें वन बाई वन इस चैप्टर में पढ़ना है, स्टार्टिंग मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक। क्लियर है सबको? ठीक। अब मोनेरा में जो बात थी, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे बेटा? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब उनके पास जो सेल होगी वो कैसी होगी बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल होगी, और बाय नेचर वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल आएगा बैक्टीरिया। कौन आएंगे बेटा? बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में रखा गया है? मोनेरा में। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो इनके पास भी यूनिसेलुलर होगा कंडीशन, इनके पास भी एक ही सेल होगी, लेकिन इनका नेचर प्रोकैरियोटिक ना होके कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा। आई बात समझ में? डिफरेंस देख लीजिए, बहुत आसान सा डिफरेंस है, ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, बट ये प्रोकैरियोटिक और ये कैसा? यूकैरियोटिक। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आएगा इसमें प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन, जिसमें एग्जांपल आप नाम सुना होगा आपने अमीबा, और भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, मैंने एक एग्जांपल बताया है, तो एग्जांपल प्रोटोजोअन है प्रोटिस्टा में। अब इस चीज़ को कंपेयर, इन तीनों को इधर यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। एनिमेलिया में देखो, यहाँ प्रोकैरियोटिक, यहाँ यूकैरियोटिक, तो यहाँ भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होंगे, बट यूनिसेलर, यूनिसेलर ये कैसा होगा? मल्टीसेलर। देखो डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ, ठीक ना बेटा? तो एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा सारे यूकैरियोटिक होंगे और सारे के सारे मल्टीसेलर होंगे, जबकि यहाँ यूकैरियोटिक यूनिसेलर था। तो अगर उस पर्सन को या किसी भी जिसको जानना है ये चीज़, अगर उसको ये दो चीज़ों के बारे में नॉलेज है, नंबर ऑफ सेल और नेचर ऑफ सेल, तो वो आसानी से समझ सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस किंगडम से बिलोंग करता है। अगर उसके दो फीचर पता है, तो उस ऑर्गेनिज्म के अगर आपके दो फीचर आपको पता है तो आप बता सकते हो वो कौन से किंगडम से बिलोंग करेगा। आई बात समझ में? इसमें एग्जांपल की बात करोगे बेटा तो इसमें एग्जांपल होगा फाइलम पोरीफेरा से लेके, पोरीफेरा से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक। कहाँ तक बेटा? फाइलम कॉर्डेटा तक। आई बात समझ में? फाइलम कॉर्डेटा। अब बात करते हैं इनकी, ठीक। फंजाई में क्या होगा? सारे के सारे नॉन ग्रीन प्लांट होंगे, नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक ना बेटा? एग्जांपल की बात करोगे तो आपको इसमें एग्जांपल मिलेगा एगेरिकस, ठीक ना बेटा, जिसे मशरूम बोलते हैं, ठीक, ईस्ट, ये एग्जांपल मिलेंगे, फंगस, ठीक ना बेटा? अब यहाँ पे अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो आपको पता है ये नॉन ग्रीन है, मतलब क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। वहीं पे अगर हम बात करें प्लांटी की, तो इनके पास क्या होगा? ये ग्रीन प्लांट्स होंगे, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स होंगे, और इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है,
इसी वजह से ये ग्रीन है, क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट है बेटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक, और एक आपको और पढ़ना होगा एल्गी, ठीक, मुझे एल्गी सबसे पहले लिखना चाहिए था यहाँ पे ब्रायोफाइटा के ऊपर, बट सीक्वेंस यहीं से स्टार्ट होगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक ना बेटा। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब ध्यान से सुनिए, आर एच विटकर ने ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिस बिहाफ पे दिया था, नंबर ऑफ सेल एंड नेचर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल मतलब यूनिसेलर, मल्टीसेलर, नेचर ऑफ सेल मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसी के बेस पे बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बना था। फाइव किंगडम कौन कौन से हैं, अपनी फिंगर्स पे याद कर लो, मोनेरा प्रोटिस्टा, माइकोटा यानी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। क्लियर है सबको, इसमें डिफरेंसेस लिखे हैं, इसको कॉपी में अपने एज इट इज ऐसे ही ड्रॉ करिएगा, ठीक, यहाँ तक अपना नोट्स फुल्ली कवर करिएगा बेटा। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम वन बाय वन एक एक किंगडम पढ़ते चलेंगे, और कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक। तो पूरी कोशिश है बेटा अपना बेस्ट देने की। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि अपना रिस्पॉन्स जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जरूर शो करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको दिया गया है इसका PDF, नोट्स है, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर है, उसको भी डाउनलोड करिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस अभी टॉपिक से रिलेट करे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर से रिलेट करे, बट उस क्वेश्चन को रखिएगा, आगे चल के उसको सॉल्व करना है बेटा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। क्लियर ना बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक, इस चीज़ को अच्छे से कवर करिएगा, ठीक, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू बेटा।